क्या सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड करने से, एक एजुकेशनल चैनल क्रिएट कर लेने से आपका काम बन जाएगा? जो आपका चैनल है वो सिर्फ एक नॉलेज हब बन के नहीं रहना चाहिए, उससे आपको कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। एज अ टीचर आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने वीडियोस पर, अपने कंटेंट पर, लेकिन अब समय आ गया है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का, जिससे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको कुछ बेनिफिट मिले, जो आपका एजुकेशनल चैनल है उसमें आपको कुछ ग्रोथ नज़र आए। क्वालिटी कंटेंट एक एजुकेशनल चैनल का बेस होता है, और उसके साथ अगर कुछ स्ट्रैटेजीज को कंबाइन कर दिया जाए तो जो चैनल की ग्रोथ है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है। अब अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है और आप चाहते हैं जो आपका एजुकेशनल चैनल है उसमें थोड़ा फास्ट ग्रोथ आपको दिखे, तो उस केस में आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले चैनल होते हैं उनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, ज़्यादा लोग उन चैनल्स को व्यू करते हैं। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम है उसको पकड़ लें और उसकी प्रिपरेशन कराएंगे तो फिर पक्का से ऑडियंस आपकी बनी रहेगी। जिस भी एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है, आपको लगता है इस एग्ज़ाम की तैयारी आप करा सकते हैं, आप उस एग्ज़ाम को सिलेक्ट करिए। शुरू में ये मत देखिए कि इस वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, उस वाले एग्ज़ाम में थोड़े कम स्टूडेंट्स आते हैं। आपको जिस पर कॉन्फिडेंस हो आप वो वाला एग्ज़ाम सेलेक्ट करें और फिर उसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। सबसे पहले आपको उसका सिलेबस है वो देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक्स की लिस्ट बनाना है और फिर उस हिसाब से आपको वीडियोस को क्रिएट करना शुरू करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करें, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और कोशिश करें कि लाइव पढ़ा सकें तो और भी बेहतर होगा। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डाउट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उनके कोई डाउट्स हैं, तो हर 15 दिन में आप एक ऐसा डाउट क्लियरिंग सेशन ज़रूर रखें जहां पर आप स्टूडेंट्स के डाउट्स लेंगे और उनको क्लियर करेंगे। इससे आपके चैनल पर एंगेजमेंट बढ़ेगा और स्टूडेंट्स आएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है और वो आप क्लियर कर पाते हैं तो फिर वो आपका रेगुलर स्टूडेंट बन जाता है और इसी तरीके से और स्टूडेंट्स भी आपके चैनल पर आने लगते हैं। अगली चीज़ आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपको अपनी नीश के अंडर ही एक्सपेरिमेंटेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो फिर आप उस एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, जो उसका सिलेबस है आप उस पर वीडियोस बना सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चंस का क्या वेटेज हो सकता है, उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिन्हें आप इस कैटेगरी के अंडर कवर कर सकते हैं, और ये वीडियोस भी बहुत पॉपुलर होते हैं। इसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन कराइए। भले ही उसका जो वीडियो है वो बड़ा हो जाए, लेकिन टॉपिक वाइज रिवीजन ज़रूर कराएं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई पार्ट मिस हो गया है तो वो रिवीजन वाले वीडियो में वो पूरी चीज़ों को देख लेंगे, और ऐसा होता भी है। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स पूरे वीडियोस देखें ही, वो एक दो वीडियोस देखते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो अगर आप एक रिवीजन वीडियो बनाते हैं जिसमें आप पूरे सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं, तो इस तरह के जो वीडियोस होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल होते ही हैं, इन वीडियोस पर व्यूज़ भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसका कारण ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे प्रिपरेशन कर ली है लेकिन एग्ज़ाम के पहले उन्हें एक रिवीजन करना है, प्रॉपरली थरोली रिवीजन करना है, तो वो इस तरह के वीडियोस को देखेंगे। और अगर किसी ने तैयारी प्रॉपरली नहीं की है और अब एंड टाइम पर वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरह के वीडियोस को देखते हैं। वो ढूंढते हैं कि अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें पूरे सिलेबस को प्रॉपरली कवर किया गया है तो फिर वो उस वीडियो को देख लेते हैं और फिर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस हिसाब से करते हैं। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस बनाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके चैनल को ग्रो करने का। इसके साथ बोलने में थोड़ी सी एनर्जी लेकर आएँ, स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। अगर आप डल होकर लेक्चर देंगे तो फिर स्टूडेंट्स को रिटेन करना मुश्किल होगा। वही थोड़ा सा लाइवली होके, थोड़ा एक्टिव होके जब आप बोलेंगे, थोड़ी एनर्जी के साथ बोलेंगे तो स्टूडेंट्स के साथ आप ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एक प्रोफेशनल लुक दें अपने वीडियोस को, तरीके से चीज़ों को बताएं, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, कैसे आप लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो फिर कोई बात नहीं, बट अगर आपको लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी हैंड राइटिंग है अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी आप बोर्ड पर लिखें कम से कम स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आएँ। देखने में यदि विजुअली वो चीज़ अच्छी लगेगी
तो उसको ज़्यादा देर तक देखा जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें जो हैंड राइटिंग है थोड़ा तरीके से लिखें, अच्छे से लिखें। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो जो आपका एजुकेशनल चैनल है उसे ग्रो करने में आपको आसानी हो जाती है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता आपके एजुकेशनल चैनल को ग्रो होने से, और ये तब संभव होगा जब आप कुछ बदलाव लाएंगे अपने चैनल में, अपने कंटेंट सिलेक्शन में। एक एजुकेशनल चैनल को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि जो आपके चैनल है उसकी रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चैनल को फॉलो करें बिना किसी गाइडलाइन को वॉयलेट किए, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरे टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।